कर्नाटक पुलिस ने खंडवा शहर के नागचून रोड पर स्थित एक मदरसे के मौलवी को गिरफ्तार किया है। मौलवी पर एक महिला के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म का आरोप है और इसे लेकर युवती ने कर्नाटक में इस पूरे मामले की शिकायत की थी। उसके बाद कर्नाटक पुलिस की टीम मुगट थाना क्षेत्र पहुंची और यहां के मदरसे से युवक को गिरफ्तार किया। उसके साथ इस मामले में कुछ और अन्य आरोपी भी हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हिंदू संगठन विरोध में उतर आए हैं। आज हिंदू जागरण मंच ने एक ज्ञापन देकर मदरसों की जाँच और इस तरह के मामलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। श्रीमान न्यायाधीश महोदय, जिला खंडवा मध्य प्रदेश, विषय वैध मदरसे की संगठन जांच हो एवं अवैध मदरसे तुरंत बंद हो। महोदय जी, वर्तमान में अहमदपुर के गांव के मदरसे में मौलाना मुफ्ती पिता गुलाम तस्लीम जो जिलानी जो भारत में अजहरी के नाम से फेमस है, इस मौलाना द्वारा मदरसे की शिक्षिका द्वारा शारीरिक शोषण का मामला सामने आया है, जिसमें प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार मौलवी मौलाना के पद पर रहते हुए कुकृत किया जा रहा है, तुरंत बंद होने चाहिए। कुछ मदरसों में चिलम लगाकर साउंड सिस्टम से अजान दी जा रही है। मदरसा सिर्फ तालीम के लिए बना है, जहां बच्चों की शिक्षा दी जाती है, सरासर जो कि सरासर गलत है। ऐसे मदरसों से तुरंत साउंड सिस्टम हटाया जाना चाहिए। जैसे कि उदाहरण खंडवा शहर के गंजर मोहल्ले गंज बाजार में स्थित घासपुरा में जो अवैध मदरसा है, जिस पर पहले भी साउंड सिस्टम हटाया गया था, बाद में उसे पुनः लगा दिया गया है, जिसे तुरंत हटाया जाए। हम लोग हिंदू जागरण मंच हमेशा जो गंभीर विषय रहते हैं उस पर अवगत करवाते रहते हैं। पिछले साल भी हम लोगों ने आवेदन दिया था, बाकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बार मुख्यमंत्री महोदय के स्पष्ट आदेश हैं कि सुबह 6 बजे के बाद अजान नहीं होना चाहिए, साउंड स्पीकर नहीं बजना चाहिए शाम को 10 बजे तक। अभी तो देखने में यह आ रहा है कि जो अवैध मदरसे हैं, अवैध मदरसों में अजान पढ़ाई जा रही है, अजान साउंड सिस्टम लगाए जा रहे हैं, जबकि वह शिक्षा का मंदिर है, वहाँ पर बच्चों को तालीम देना चाहिए, वहाँ तक तो सीमित रहता है, बाकी वहाँ पर अजान दी जाती है, यह सरासर गलत है। और जो वर्तमान में जो अभी अधिकारी हैं, ये अधिकारी लोग पहले सिस्टम एक बार हटा के आए थे, बाकी पुनः वापस पलट के नहीं जाते हैं। आज कंजर मोहल्ले में आज देखने में आ रहा है कि आसपास के 1 किलोमीटर के दायरे में मदरसे से अजान जो होती है वो गलत है। और दूसरा गंभीर मसला एक और आया हुआ है कि कर्नाटक की एक बालिका को एक आलिमा बनाकर लाया था अहमदपुर के खेगांव के मदरसे में, जहां पर उसका 2 साल तक शारीरिक शोषण हुआ, जबकि वह नेपाल का रहने वाला है, नेपाल में 2 उसके बच्चे हैं, उसकी पत्नी है, उसको भी समय समय पर वो खंडवा लाता है। और उस आलिमा को जो उसने वो कर्नाटक से लाया था, उसका केस पंजीबद्ध हुआ है और मुगट थाने में कल रात को उसको गिरफ्तार करके प्रशासन न्यायालय के में उसको पेश किया गया। अब इस प्रकार की गतिविधियाँ मौलवी और मौलानाओं के द्वारा यदि की जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि जो बच्चे वहाँ पर पढ़ते होंगे उन पर क्या प्रभाव पड़ता होगा, और जहाँ पर वो तकरीर देने जाते होंगे वहाँ पर क्या प्रभाव पड़ता होगा। अब जिस प्रकार का समाज वो निर्माण कर रहे हैं, उससे समाज में खंडवा में भय का माहौल है। खंडवा वैसे ही संवेदनशील क्षेत्र है। खंडवा कलेक्टर महोदय से मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की असामाजिक गतिविधियाँ जहाँ जहाँ भी हो रही है उसको तुरंत लगाम लगाई जाए, और जितने भी अवैध मदरसे हैं उन अवैध मदरसों को तुरंत बंद किए जाए। हम हिंदू जागरण मंच आने वाले समय में नहीं तो और बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जवाबदारी पूरी प्रशासन की होगी। सबसे पहला मैं चिन्हित करके दे रहा हूँ कंजर मोहल्ले का मदरसा, जहाँ पर कि चिलम बज रही है। मदरसे में सिर्फ शिक्षा होती है, बच्चों को शिक्षा दे वहाँ तक तो ठीक है। परिचय और इसके अलावा परिचय मैं डॉक्टर अर्जरे, हिंदू जागरण मंच, जिला संयोजक। क्या मामला है मौलाना? ये देखिए, ये कर्नाटक का मामला है। ओल्ड हुबली पुलिस के अधिकारी यहाँ पर आए हुए थे। हमारे यहाँ के करीब 5-7 लोग हैं आरोपी इसमें जो है। इसमें 2 लोगों को जो है पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है और उनके द्वारा विधिवत रूप से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। उनमें एक जो है गुलाम जिलानी है एक व्यक्ति, और एक अन्य व्यक्ति है उसमें अपील करके। क्या आरोपी अभी और भी कुछ आरोपी है निश्चित जानकारी मुझे नहीं है, ये कर्नाटक पुलिस ही बता सकती है। सर, किस विषय को लेकर के ये लोग इसके खिलाफ आए थे? बलात्संग संबंधी एक अपराध दर्ज है वहां पे, उसी अपराध में तलाशी के लिए यहाँ आए थे और थाना मोघट पुलिस द्वारा उनकी सहायता की गई।